हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपको ये क्लियर कर दिया है कि मैं हर साइन के लिए अलग अलग रीडिंग नहीं डाल पाऊँगी किसी वजह से, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। पहले मैं करूँगी फायर साइंस के लिए, फिर दूसरे जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा एयर साइंस के लिए, और कल जो वीडियो आएगा वो वाटर और अर्थ साइंस के लिए होंगे। तो फायर साइन की है ये वीडियो, फायर साइन यानी लियो, एरीज और सैगिटेरियस के लिए ये रीडिंग है, लेकिन कलेक्टिव है, ठीक है। जो एनर्जीज मैं पिकअप करूँगी वो कलेक्टिव होंगी, सो ये याद रखिएगा। और इसके बाद हर मंथली जो भी रीडिंग आएगी वो कलेक्टिव ही आएगी, मैं अलग अलग से रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहती जो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हर साइन के लिए अलग अलग करना विथ थ्री अदर चैनल्स, ओके। और मैं अपने कोई भी चैनल को बंद नहीं करना चाहती। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप तीसरा चैनल फिर बंद ही कर दो ना, एक ही चैनल पर फोकस करो या दो ही चैनल पर, बट मेरे लिए अभी इतने ज़्यादा मैंने वहाँ पर फैमिली ग्रो कर ली है, एक चैनल पे तो अभी 1 लाख हो जाएंगे, तो मैं वो क्यों बंद करूँ, तो मैं नहीं करना चाहती। तो इसीलिए, और एक चैनल पे 40,000-45,000 के करीब ही है शायद, तो मैं वो चैनल क्यों बंद करूँ, मैं नहीं करना चाहती। इसीलिए मैंने सोचा कि कलेक्टिव ही करते हैं। वैसे भी मेरे हर रीडिंग ज़्यादातर कलेक्टिव ही होती है, और जिसको पसंद होती है वो देखेंगे, ठीक है। सो या लेट स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत हम लोग मेरे हैंड रिटन कार्ड से करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस मंथ में क्या क्या ज़्यादा फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, क्या ज़रूरी है जो होने वाला है आपके लाइफ में। लेट स्टार्ट। फायर साइन के लिए चल रही है रीडिंग, ओके। कंफ्यूज्ड मत होइएगा, और ये ओवरऑल रीडिंग है। मैं करियर के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, लव के लिए अलग ऐसा नहीं करूँगी। जो जो मैसेजेस मुझे दिखता है आई विल टेल यू, ओके। सो कॉल टेक्स्ट, ये है पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, स्टेबिलिटी, ये है दूसरा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेट फॉर मी, डेस्टाइंड, एंड लास्ट है यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स, ओके। सो फॉर द फायर साइंस, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नोटिस मैं कर रही हूँ मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, मुझे लगता है पहली बात जो मेरे नोटिस में आई वो ये है कि कोई आपके लाइफ में अगर आप किसी से डील कर रहे हो, आपके जो रोमांटिक पार्टनर है, आप उनको दिमाग में लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे थे फायर साइन, तो कोई तो है जो आपसे ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए रुको, वेट फॉर मी। मे बी उनको ऐसी वाइब्स फील हो रही है कि आप मूव ऑन हो जा रहे हो, या आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते हो, या आप मूव ऑन हो चुके हो या होने के कगार पे हो, तो दे हैव अंडरस्टूड इट। एंड मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, और वो आएंगे, ओके। सो द फर्स्ट वेरी ब्यूटिफुल मैसेज वी हैव गॉट इज़ वेट फॉर मी, दे वॉन्ट यू टू वेट फॉर देम। तो आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको उनका वेट करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, देखिए मुझे लगता है क्योंकि वेट फॉर मी के साइड में ही आप देख रहे हो कि डेस्टाइंड ये कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी आप दोनों की डेस्टिनीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो, यू बोथ वर इन ईच अदर्स डेस्टिनी, एंड आप दोनों डेस्टाइंड थे, आपका मिलना भी एक डेस्टिनी में का पार्ट ही था आपके, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे सोलमेट्स है ऐसा फील हो रहा है, और आप दोनों चाहे आप दोनों के बीच के सिचुएशंस अभी कैसे भी हो, आप दोनों वापस एक होने वाले हो। एंड जुलाई मंथ में मुझे लगता है कि कुछ मेजर होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप जुदा हो गए हो, अगर आप अलग अलग हो गए हो, मुझे वापस आप दोनों एक दूसरे के पास आते हुए दिख रहे हो, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्पेशली आपके रिलेशनशिप की बात अगर की जाए, तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी,
ओके आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे, ओवरऑल भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, आपका करियर, आपकी स्टडी, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली के साथ रिश्ता, आपके फ्रेंड्स के साथ रिश्ता, जो चीज़ें ना डिसबैलेंस हो गई थी, जिसका यू नो बैलेंस ज़रा हिल गया था, वो चीज़ें अभी बैलेंस आउट होंगी और आप देखोगे कि चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो रही है। आपका रिश्ता, आपका बाकी का लाइफ का जो भी है, जो स्टेबल नहीं था, आपको उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर इज़, अगर कोई था आपके लाइफ में, आपका फ्रेंड या आपका लवर, जिसका आपको कॉल टेक्स्ट काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, या आप रुके हुए थे किसी स्पेसिफिक पर्सन की कॉल या टेक्स्ट का, तो वो कॉल टेक्स्ट मुझे इस मंथ में आते हुए दिख रहा है, तो विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ओके सी, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, कॉल टेक्स्ट रिसीव होने वाला है इस मंथ में आपको, फाइनली नो कॉन्टैक्ट से आप हट जाओगे एंड फाइनली एक दूसरे से यू नो आप दोनों कनेक्ट करोगे। दूसरी चीज़ मुझे ये जो दिख रही है, आपको एंजल्स इस मंथ में ब्लेस करेंगे। ओके, बस आपको रेडी होना है और आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है। कई बार हमें एंजल्स ब्लेस करते हैं, यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, हमारे लाइफ में अबंडेंस आ रहा होता है, बट हम उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करते हैं, हम रोने धोने में ही बिजी हो जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पास्ट के बारे में मत सोचिए। अगर पास्ट में कुछ हुआ भी, लेट इट बी, अब आप उसके ऊपर कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो जो अच्छी चीज़ें अब आपके ज़िंदगी में आ रही है, आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके करियर में, उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहिए। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ओरेकल, सॉरी द ओशोज एंड डेक, एंड लेट्स सी के कैसा जाएगा एरीज, लियो और सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए जुलाई मंथ। ये पहला कार्ड है यहाँ पे इनोसेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके थंडरबोल्ट, माइंड, एंड हीलिंग। बॉटम डेक में इस वक्त है लेटिंग गो। ओके, देखिए किसी किसी के लिए मुझे लगता है कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे पर्सन आपके ज़िंदगी में रहे हैं जिनको आप लेट गो करना चाहते हो, या उस पर्टिकुलर फेज़ को अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना चाहते हो, तो इफ़ यू वांट टू डू इट, डेफिनेटली अपने लिए जो सही है वो करिए, मैं तो बोलती हूँ। चाहे उसके लिए आपको किसी को हर्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको किसी को छोड़ना पड़े, या उससे खुद को दूर करना पड़े, अगर आपका पीस ऑफ माइंड है उसी चीज़ में तो डू इट। वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर लेट गो करना है किसी चीज़ को, किसी आदत को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, लीव इट। ओके, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है जो आपको बर्डन फील हो रहा है, या जिसने आपको बहुत लॉस दिया है, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। ओके, बट कब स्पेशली करियर पे अगर आप छोड़ दोगे और बैठे रहोगे ऐसे ही, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू हैव अ प्लान कि आगे आपको क्या करना है, आपको मेंटली भी रेडी होना है, फिजिकली भी रेडी होना है उस चीज़ के लिए। ओके, ये मंथ आपके लिए रहेगा हीलिंग का मंथ। और यू नो आप जो ट्रॉमाज रहे हैं आपके पास्ट के, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, फिज़िकली भी अगर आप हर्ट हुए हो, इमोशनली अगर हर्ट हुए हो, जिस चीज़ ने आपको ट्रॉमाटाइज़ किया है, जिस चीज़ ने आपको एक बुरी फेज़ के थ्रू यू नो गुजरे हो आप उसकी वजह से, यू विल कम आउट ऑफ दैट। ओके, आप फाइनली मुझे उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, आप हील होते हुए दिख रहे हो मुझे, एंड स्पेशली आपके थर्ड आई चक्र एंड आपके हार्ट चक्र मुझे हील होते हुए दिख रहा है इस मंथ में, तो आप बोल पाओगे, आपका थ्रोट चक्र हील होते हुए दिख रहा है, आप बोल पाओगे, आप देख पाओगे चीज़ों को, आप समझ पाओगे। यू नो कई बार हम अंधेरे में रह जाते हैं, हम चीज़ों को देखकर अनदेखा करते हैं, हम यू नो वार्निंग साइंस को अनदेखा करते हैं, बट नाउ आई सी यू कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, आई सी यू हीलिंग। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये मंथ थोड़ा स्ट्रेसफुल इसलिए हो सकता है कि आप देखिए हीलिंग पीरियड जो होता है ना हमारे लिए, वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, थंडरबोल्ट है, माइंड कार्ड है, तो आप बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आई थिंक बाहर निकले हो, कुछ टावर मोमेंट में भी आपने फेस किया है। अब जब भी मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैं हर एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका यू नो आपके रिलेशंस, ठीक है? तो जिस भी एरिया में ये हुआ है आपको उससे रेजोनेट करना है, उसके बारे में सोचना है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो मुझे आप
कहीं ना कहीं व्हाट आई सी हियर इज़ ना, आपके दिमाग में कुछ पास्ट की चीज़ें यू नो अभी भी लिंगर करेगी इस मंथ में. बट मेरी एडवाइस रहेगी उससे बाहर आ जाइए. जो भी आपकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स चाहता है कि आप हील हो जाओ उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस पास्ट से, जिस जो आपको हॉन्ट कर रहा है, जो आपको ट्रॉमेटाइज कर रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि आपको उसके अगेंस्ट जाना है. ओके, दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग से बचिए. ओके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होने वाला है. आप खुद को परेशान करोगे, आपके हेल्थ पे उसका इफेक्ट आपको दिखेगा. सो कम आउट ऑफ द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा. हो गया हो गई, बीत गई बातें, उसको भूल जाइए. बोलना आसान होता है लेकिन करना भी आसान हो जाएगा अगर आप अपना माइंडसेट फिक्स कर लोगे तो. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम नहीं सह पाते हैं, बट वी हैव टू, आफ्टर ऑल हमें आगे बढ़ना है, लाइफ गोज़ ऑन, राइट. दूसरी चीज़, देखिए अभी ऐसे लोग भी है यहाँ पे जो किसी एक पर्सन पे फिक्स्ड है, चाहे जो हो जाए, चाहे टावो मोमेंट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके साथ उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहोगे. ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे. ओके, तो मुझे डेफिनेटली लगता है आपके पास में, आपके रिलेशनशिप में, या आपके करियर में, या आपके हेल्थ में, या कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत यू नो जैसे हिला के रख दिया आपकी दुनिया. बट आई सी यू नो ग्रोइंग आउट ऑफ इट. आपको करना भी चाहिए इस मंथ में. कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से मे बी आप बाहर पढ़ो. कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें बाहर पढ़ना है, जिनको लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, तो डू व्हाट यू वांट. अगर आपको नहीं रहना, आपको नहीं रहना किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, कम आउट ऑफ दैट. अगर आप उसी सिचुएशन में रह के उसको ठीक करना चाहते हो तो डू दैट, बट टेक योर टाइम. जुलाई मंथ आपके लिए हीलिंग का पीरियड होगा, एरीज लियो सैगिटेरियस. ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज ये मंथ आपको बहुत एक्सपीरियंस भी कराएगा, आपको ग्रोथ देगा. आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो इस मंथ में. बहुत चेंजेस आएंगे आपके अंदर, बाहर भी और अंदर भी. यू विल चेंज एज अ पर्सन. टोटल पर्सनैलिटी शिफ्ट होने वाली है आपकी, जो कि बहुत अच्छी बात है. ओके, होना भी चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी, हमें हमेशा ट्राई करना है कि हम हमारा बेस्ट वर्जन बने. ओके, एंड वही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए दिख रहा है, कुछ चेंजेस मेजर. ऑल्सो आई सी, देखिए आपकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप चाहे बदल जाओ अंदर से बाहर से, आपके अंदर का जो अच्छा इंसान है, जो इनोसेंस है, जो प्यार है, जो यू नो सोर्स ऑफ लव है, वो चेंज नहीं होता है. यू नेवर चेंज इमोशनली एज अ पर्सन. आप कभी नहीं बदलते हो, बट आप अपने तरीके बदल रहे हो लोगों से बिहेव करने के, लोगों से बात करने के. दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल. आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एरीज लियो सैगिटेरियस के लिए मंथ कैसा जाएगा जुलाई का. लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आप अपने पर्सन से डील कर रहे हो, उनका इनिशियल अगर आ जाए तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा आपके लिए. ओके, फॉर एरीज लियो सैगिटेरियस कलेक्टिव जुलाई मंथ कैसा जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आए हैं तीन कार्ड्स, मुझे और तीन चाहिए. ओके, और तीन आ गए हैं. ब्यूटीफुल. एंड इस वक्त बॉटम डेक में है जस्टिस, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. मेजर अरकाना है लीब्रा. देखिए ये मंथ आपके लिए जस्टिस लेके आएगा. जिस भी एरिया ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो आप, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी आएगी, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी वो चीज़ें ठीक होगी. आपके हक से कोई चीज़ छीन ली गई थी वो आपके हक में आएगी वापस. ओके, सो नेक्स्ट इज़ द एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टू ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस. दिस इज एरीज फूल. नेक्स्ट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस, हाई प्रीस्टेस टॉरस. एंड नेक्स्ट इज नाइन ऑफ कप्स, टॉरस वर्गो, सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस. देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने बोला, स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, एट योर होम, एट योर करियर, वर्क स्पेस, बिजनेस, जिसमें भी आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी. ओके, आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे. ओके, जिसकी वजह से भी आपको लग सकता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल गई है मेरे रिलेशनशिप में, मेरे करियर में, मेरे लाइफ में. जो मैं चाहती थी या चाहता था वो मुझे मिल चुका है. ओके, दूसरी चीज़, आपका किसी चीज़ के ऊपर से टेंशन था वो हट जाएगा एंड आप बहुत फ्री महसूस करोगे. जैसे मैंने कहा इसके पहले भी, कोई रिश्ता में भी ऐसा था जिससे आप अपने आप को अलग करना चाहते थे, एंड फाइनली उससे अलग हो जाओगे तो आप बहुत फ्री महसूस करोगे, किसी न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओगे, नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाओगे. एंड आई डू सी दैट हैपनिंग. मे बी आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फील करो, काफ़ी सेफ फील करो, काफ़ी अच्छा बेहतर फील करो. ओके, एंड आगे देखोगे, यू नो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड.
ओके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी चीज़ से जो आपके लिए अच्छी नहीं थी आप उससे फ्री हो जाओगे, उस टॉक्सिसिटी से दूर हो जाओगे एंड आप फ्रीडम महसूस करोगे एंड इसके वजह से आप आगे देख पाओगे व्हाट ब्यूटीफुल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या बेहतर कर सकते हो आगे। हो सकता है आपके सामने दो चॉइसेस हो, दो रास्ते हो जिसमें आपको यू नो चूज़ करना पड़े। ओके स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मुझे आप वेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, मे बी अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप दोनों के बीच में, मे बी आप दोनों के बीच के डिस्टेंस कम हो, आप मिलने आ जाओ एक दूसरे से। एंड मुझे आपके विशेज़ पूरे होते हुए दिख रहे हैं, द विशेज़ यू आर बीइंग लॉन्गिंग फॉर, आप जो विशेज मांग रहे थे काफ़ी समय से, चाह रहे थे पूरे होना, वो पूरे होते हुए आई सी दैट हैपनिंग, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो अभी अगर आपकी कोई विश है मांग लीजिए, आप डेफिनेटली वो विश आपकी इस मंथ में पूरी होगी। ओके रियलिस्टिक रखिए, ओके ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहे हो 10 करोड़ मुझे मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा, किसी किसी के लिए हो भी सकता है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, आपके आइडियाज, आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है इस मंथ में। हेल्थ वाइज मुझे आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, बस आपको इमोशनली अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। इमोशनली अगर आप यू नो हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम यहाँ पे दिमाग में शांत नहीं रहेंगे तो बॉडी भी हमारी उसके साथ नहीं देगी। तो आपको हील होना है, शांत रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, बेफिक्र रहना है। ओके ये मंथ आपको बेफिक्री सिखाएगा, बेफिक्र रह के हैप्पी कैसे रहना है। ओके बट इतना भी बेफिक्र नहीं होना है कि हर चीज़ को छोड़ के बस आगे बढ़ रहे हो, और फिर यहाँ पे खाई भी है, फूल इज़ वॉकिंग ऑन अ यू नो रीफ, इससे नीचे भी गिर सकते हो, सो उतना आपको होश होना चाहिए। आपके मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके सो अगर आपके मैरिड लाइफ में अगर कुछ कोर्ट केसेस या कुछ ऐसा चल रहा था, उसमें भी आपके हक में ही बात होगी, या शायद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाए। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे थे वो भी आपके हक में ही, उसको उसका जो रिजल्ट है वो आपके हक में ही आएगा। आपका किसी चीज़ के ऊपर का वेट था, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो भी आपका वेट ख़त्म हो जाएगा फाइनली, एंड वो चीज़ आपको मिल जाएगा, वो न्यूज़ आपको या इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। ओके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकान आपका बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं यू नो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटन फील करोगे, आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ेगा। एंड बेसिकली जैसे मैंने कहा, आपका इंट्यूशन भी आपका बहुत साथ देगा, आप बहुत इंट्यूटिव एंड बहुत यू नो बहुत अच्छा महसूस करोगे इस मंथ में, काफ़ी यू नो जो अपने लिए अच्छा है वही आप करना चाहोगे या सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, कि इस वक्त 3 कौन से मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहती है या क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। जब से तुम दूर गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है, सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पहली चीज़ तो। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ, सो दे वॉन्ट टू मेक देयर्स एंड तुम्हें मेरे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो वाओ ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। आपके लिए ओरेकल एडवाइस देख लेते हैं इस मंथ में, आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू अवॉइड, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फॉर एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स बॉटम डेक में इस वक्त है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी ला रहा है विच इज़ नंबर 4। जैसे हम जानते हैं 4 of Wands ये है स्टेबिलिटी का कार्ड। आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थे वो ठीक होंगे, आपके घर के कुछ इश्यूज थे वो ठीक होंगे, एंड ओवरऑल ही आपके लिए ये मंथ रहेगा, एक फाउंडेशन बिठाओगे आप अपने लिए। ओके बेस जो तैयार करते हैं ना हम, नींव ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए ये नींव बनाने का समय है। एंड अचीवमेंट्स कुछ आप रिसीव कर सकते हो, कुछ अचीवमेंट्स आपके लिए इस मंथ में आप अचीव कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2। डेफिनेटली काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला आप ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स हो, और आप ये अगर जानते नहीं हो इस मंथ में आपको ये चीज़, या आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत डीपली रियलाइज़ होगी, इंटेंसली रियलाइज होगी, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रॉस्पैरिटी,
बिगिंस नंबर वन. तो डेफिनेटली अबेंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. उसको रिसीव करने के लिए बस आपको ज़रूरी है कि आप अपनी आँखें खोलो, अपना दिल खोलो, आपको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी होना चाहिए. एंड लास्ट वन इज़ फुलफिलमेंट एंड विशेज. तो मैंने जैसे बोला, आपकी कोई विश थी, आपकी कोई इच्छा थी, आकांक्षा थी, वो पूरी होने वाली है. फुलफिलमेंट ऑफ विशेज. नाइन ऑफ कप्स भी आया था, तो ये एक क्लैरिफिकेशन है. नाइन का ही नंबर है, नाइन ऑफ कप्स की तरह ही देखा जाता है इसको. डेफिनेटली आपका जो जो भी आपने इच्छाएं मांगी थी या विशेज जो मांगे थे आपने, वो पूरे होने वाले हैं. सो या दैट वाज इट. इनिशियल्स देख लेते हैं. आपके पर्सन के नाम का इनिशियल आ सकता है, सो ध्यान से देखिएगा जब मैं बता रही हूँ. पाँच इनिशियल्स निकालूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आया है तो एक और ले लेते हैं. फिर से नंबर आया है, ओके. सो ई आई थिंक दो बार आया है तो एक और ले लेते हैं, ओके. सो फर्स्ट है ई, ये दो बार ही आया है मैंने, जैसे मैंने आपको बोला, ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको रख देते हैं. ई आया है फर्स्ट, ओके. नाइन नंबर है यहाँ पे, तो मे बी आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट हो. यहाँ पे एट है, यहाँ पे आर है, ओके. एफ है, के है एंड एस है. मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है. ये सारे इनिशियल्स आए हैं, देख लीजिए. नंबर भी है, इनिशियल्स भी है, कुछ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, मंथ ऑफ बर्थ या कुछ भी, एनी थिंग. मे बी आप उस तारीख को मिले थे या उस मंथ में मिले थे, समथिंग लाइक दैट. सो यही थी रीडिंग फॉर एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस. अगर रीडिंग पसंद आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ें रेजोनेट हुई है, आपकी क्या विश है जो आपने मांगी थी या सोची थी. एनीवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. जून जुलाई मंथ आपका अच्छा जाए, हैप्पीनेस के साथ जाए और डेफिनेटली आपकी प्रॉस्पेरिटी मिले आपको और आपकी सारे विशेज़ फुलफिल हो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़.